جامبي سمدرو ما نبي يحوله مدي يني بوش تيجي سمدرو كتام غنّا كوي معلوم نيّه كي غنّو تيجي سمدرو كي بعد مي كيس ديسا مي جانا كفرندي كونسي هي فتو سيدي اتوكتي هي اور مارك مي بيد بودو كو توڑتي بوردي سيدي سمدرو مي جاتي مل جاتي اور پورے بھارت پر سے سے بھی کیول ایک ہی بار کی جان گرو پورنیما ہے جان گرو ہے وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں پہنچے ہم جتنا مسئلہ آپ کو گرو کا مطلب ہے کیول گیان دینے والا کوئی منشیہ گرو نہیں بن سکتا ہے میں آپ کا گرو نہیں ہوں میرا گیان آپ کا گرو ہے میرا چیتنا آپ کی گرو ہے میرا کاریہ آپ کے گرو ہے جو بھی کرشن کار کی یا ایک چولا بدل کر کے دوسرے چولے میں جانے کی تب پرتیک ویکتی کو ہے ہی मगर उससे भी प्रथा पंजाब के अलावा बहुत कम स्थानों पर विश्व में और पंजाब में केवल एक ही भावना है कि सब लोगों को भोजन करवाया जाए सब लोगों को प्यासों को पानी पिलाया जाए तन से सेवा की जाए मन से सेवा की जाए जीवन से सेवा की जाए धन से सेवा की जाए जो कुछ जिसके पास है वह करे दे देने का काम ही पंजाब कर रहा है आज तक रहा है प्रारंभ से लगा सके आयु से लगा सके आज तक और वास्तव में उन सभी व्यक्तियों का नाम गणना तो करना छोटी सी बात है मैंने अभी कहा कि दाई नाथ गया तो गाया तो पता नहीं चले उन लोगों ने सारे कार्य को यहाँ पे आज लोगों ने दिखाया है आप सब लोगों को बुलाया शिष्यों को पूरे भारतवर्ष से मैं उन सभी जो क्षेत्र चला रहे हैं जो यहाँ पर टेंट लगवाया है जो आयोजक हैं जिन्होंने आप परिश्रम कर रहे हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है मैं सबके प्रति हमेशा आशीर्वाद देता हूँ और उसके साथ ही साथ माननीय विधायक महोदय जी यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक कृष्ण मंदिर के ट्रस्टी राय साहब जो अपने आप में जनक की तरह विदेह है जनक में राजा राज्यपाल धन दौलत पत्नी पुत्र सब थे राज्य चलाते थे उसके बाद भी विदेह कहलाए उनका ये देह भी मेरी नहीं है ये देह तो भगवान की है मेरी देह मेरी नहीं है मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा बहुत कम स्थानों पर होता है जीते जी आदमी मनुष्य से ऊपर उठ के देवता बन जाता है देवताओं के चार हाथ और चार पांव और दस माथे नहीं होते मनुष्य की तरह ही होते हैं विचार और भावनाओं से देवता बनते हैं विचार और भावनाओं से राक्षस बनते हैं आप सब लोगों के बीच में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है और मैं अपने सभी साधकों को यह कहना चाहता हूं कि वे उन कार्यों को उन साधनाओं को यहां संपन्न करें जिसके माध्यम से इस पूरे विश्व में इस देश में शांति स्थापित हो सके मनुष्यता पनप सके नए मनुष्य का निर्माण हो सके उनके अध्यक्ष द्वेश निकल सके और इतना आप प्राप्त कर सके कि हजारों मंदिर बना सके हजारों देवालय खोल सके विद्यालय खोल सके ऐसा तभी हो सकेगा जब आप लक्ष्मी का आह्वान करके लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थापन कर सकेंगे या शिव को स्थापन कर सकेंगे या कृष्ण को स्थापन कर सकेंगे या राम को स्थापन कर सकेंगे अपने सामने साकार कर सकेंगे और मंत्राधीनस्थ देवता मंत्रों के माध्यम से ही संभव है उन मंत्रों को मैं आपके सामने रखूंगा एक बार फिर मैं आप सबको हमेशा आशीर्वाद देता हुआ आप इसकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ सबको मैं हमेशा आशीर्वाद देता हूँ स्पीकर महोदय श्री जौहर साहब श्री कृष्ण मंदिर के सभी ट्रस्टीगण सभी लुधियाना के सभी नागरिक और जितने श्रद्धालु भाई बहन उपस्थित हैं उनके साथ ही हमारे सभी परिवार के कार्यकर्ता चाहे आदि ने सहयोग लिया है मैं सभी का हृदय से आभारी हूँ सिद्धासन साधक परिवार की ओर से आप सभी का जिन्होंने भी जो भी सेवाएं यहाँ की हैं इतने सुंदर पंडाल को कम समय में और इतना सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रकार की सुविधा प्रकाश की इसी प्रकार करते रहे और पंडित गोविंद गढ़ के हमारे इस जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आपके स्वागत करी मेरे हृदय से वाहे गुरु नाम लिख दे मेरे हृदय से वाहे गुरु नाम लिख दे तो मेरे हृदय से वाहे गुरु नाम लिख दे
Thank you.
Thank you.
Thank you.